तो इस गोवा में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है एक बजट होटल, और ऐसे ही होटल आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। कलिंगुट पे है, कलिंगुट गोवा का मेन एरिया है। बाकी बाहर से एक बार मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ये है ओंडास दोमार फेज़ टू रिजोर्ट, है होटल नहीं है, बट बहुत ही ज़्यादा बजट में है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये प्रॉपर्टी देखो आप, पूरा ग्रीनरी है, इस साइड में पार्किंग स्पेस है और इस साइड में ये पूरे रूम्स बने हुए हैं। अगर यहाँ से हम लोग सीधा जाएंगे तो सामने है इनका रिसेप्शन। बाकी काफ़ी प्राइम लोकेशन पे काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है और यहाँ के आपको लिटरली टिपिकल गोवा वाली फील आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं मिलाता हूँ भाई से। तो यहाँ पे मिलेंगे आपको अजय भाई, और अजय भाई ये प्रॉपर्टी संभाल रहे हैं अभी। तो अजय भाई, प्रॉपर्टी के बारे में क्या बताओगे? सर, प्रॉपर्टी हमारा ये पूरा कूल एरिया है। अभी सामने आपको यहाँ से 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस बीच मिलेगा और मेन रोड यहाँ से 2 मिनट का, मतलब मेन रोड और बीच के दोनों के दूरी नज़दीक पास में ही है। उसमें आपको हमारा स्विमिंग पूल है, फैसिलिटी रूम के अंदर जो से एक रूम में फैसिलिटी वो सब रूम में है। एसी स्टूडियो रूम से हमारा सारे रूम सेम से हमारे, और विद ब्रेकफास्ट एंड ब्रेकफास्ट दोनों बुकिंग होता है। और गेस्ट हमको आके अच्छा सा सर्विस, हम सर्विस करते हैं, गेस्ट हमको अच्छा से रिव्यू दे के जाते हैं। तो भाई रूम अभी मैं दिखाता हूँ आपको आगे, काफ़ी स्पेशियस रूम है और काफ़ी नीट एंड क्लीन है, क्योंकि पैनडेमिक सिचुएशन है तो भाई रूम का साफ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी ये आप देख रहे होंगे तो एक अच्छा सा बड़ा सा पूल है, इधर सिटिंग अरेंजमेंट है, उस साइड में सिटिंग अरेंजमेंट है, जिम भी है यहाँ पे। तो अगर आप फिटनेस फ्रीकी हैं तो जिम भी आप कर सकते हो, ऋषि करेगा अभी। तो इस साइड में बार है, रेस्टोरेंट भी यहाँ पे है। तो मेरी नज़र में ये अभी तक का बेस्ट बजट रिजोर्ट है, जहाँ आप अपने दोस्तों के साथ में चिल आउट कर सकते हैं। कलिंगुट जो बीच है उसका डिस्टेंस है यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, 200 मीटर है मैक्स टू मैक्स यहाँ से। और तो ये पूल, अभी हम लोगों का प्लान यही है कि फटाफट कपड़े वपड़े चेंज करते हैं और फिर मारते हैं पूल में डुबकी। बट यार यहाँ की ग्रीनरी बहुत पसंद आई है मेरे को। देखो एक बार मैं रूम का एंट्रेंस तक की अगर बात करूँ तो इस तरह से है पूरा। क्या सही फीवर, ये पूरा ग्रीन एरिया है और ये है क्रिसमस ट्री। बाकी इधर सारे रूम बने हुए हैं और गेस्ट काफ़ी हैं यहाँ पे, तो हम ज़्यादा किसी को डिस्टर्ब करेंगे नहीं। तो अभी मैं लेके चलता हूँ एक बार अपने रूम में। तो गाइस ये है रूम, ये इधर है एक छोटी सी बालकनी जहाँ बैठ के आराम से व्यू एंजॉय कर सकते हो। जैसे ही हम रूम में एंटर होंगे, बड़ा सा रूम है, इधर है किंग साइज बेड, दोनों साइड में टेबल लगी हुई है, एसी है, फैन है, लाइट कितनी कूल लग रही है। और इस साइड में ये लगेज के लिए है, टीवी है, ये ड्रेसिंग आप मेकअप कर सकते हो यहाँ पे, और दूसरा यहाँ बैठ के हम लोग एडिटिंग कर सकते हैं। ये हमारा लगेज पड़ा हुआ है, इधर 2 सोफे इधर लगे हुए हैं, ये कबर्ड है लगेज के लिए, फ्रिज भी रखा हुआ है यहाँ पे, तो फ्रिज भी आप यूज़ ले सकते हो। और जैसे ही दूसरी वाली बालकनी में आएंगे सामने है खूबसूरत सा पूल। तो भाई अभी हम बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग की। तो ये होटल हमें पड़ा है 1400 रुपये का विद GST, 700 रुपये पर पर्सन। बट इस टाइम पे गोवा में क्राउड बहुत ज़्यादा है, होटल बहुत महंगे हो रखे हैं, तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट बजट रिजोर्ट है। तो अगर आप भी बुक करना चाहते हो तो हमने बुक किया था मेक माई ट्रिप से, आप भी ऑनलाइन बुक कर सकते हो, क्योंकि अगर ऑफलाइन करोगे तो चार्जेस ज़्यादा बता रहे हैं, 2200-2500 रुपये बता रहे हैं, लेकिन आप ऑनलाइन करोगे तो 1400 रुपये में आपको मिल जाएगा और जगह काफ़ी अच्छी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पूल में, और भाई इस तरह का रिजॉर्ट लिया और पूल का एंजॉय नहीं लिया तो फिर क्या खाक पैसे लगाए। तो बस जस्ट रूम से निकलो, सीधा आगे पूल है, बाकी धूप है बट ठीक है यार, अब धूप कौन देखेगा। तो चलते हैं अभी पूल में। और तो अभी आ चुके हम लोग पूल में और अभी लेते हैं कुछ शानदार अंडर वाटर शॉट।